वो जनरल बाजवा के जराए हैं जहां से ये सारी खबरें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो चुके हुए थे। 9 अप्रैल 2021 को वो पाकिस्तान आएंगे। मोदी जो है वो हंगलाज माता के पुजारी हैं। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मदाखलत और दहशतगर्दी नहीं करेंगे और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ के कर लेंगे और इस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक कर दिए जाएंगे। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दौ पे लगाया और वो पाकिस्तान आए और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं, 1947 की, 1965 की, 1999 की। कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की। नमस्कार दोस्तों, अब यहां पर बात हो रही है कि भाई ये कश्मीर के नाम पर हमने 3-3, 4-4 लड़ाइयां कर ली लेकिन सबके सब हार गए और कुछ नहीं मिला। मोदी ने भी ट्राई किया, वो अपना अपना पॉलिटिकल करियर उसने दांव पर रख दिया। बीजेपी का लीडर, आरएसएस का मेंबर, वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान में आया, लाहौर में आया, नवाज शरीफ का मेहमान बना सामने से आकर जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे, और फिर आपने क्या किया, एक हफ्ते के अंदर पठानकोट कर दिया। ये बात वही आपको याद दिला रही है, कैसी याद दिला रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बस सेवा शुरू की, खुद गए लाहौर, बैठे वहां पर और यहाँ पर कारगिल की तैयारियां चल रही थी। परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री, ये नवाज शरीफ को पता भी नहीं चला था, रो भाई साहब ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी थी। कहने का मतलब ये है कि कितनी बार अपने आप को खुद को बर्बाद करोगे, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जावेद चौहान साहब ने कॉलम लिखा है लेकिन मुझे पता है कि ये कॉलम जो है वो जो उनकी सोर्स है वो जनरल बाजवा के जराए हैं जहां से ये सारी खबरें आ रही हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमने हमारे पास भी थी और मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि काफी इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन ये सारी वहीं से आ रही है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो चुके हुए थे लेकिन ये जो क्या कहते हैं, इसकी वजह यह थी कि बैकड्रॉप के अंदर जो है अजय दोवल जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के, उनके और जनरल फैज के आपस में खुफिया मुजाकरात जो है वो चल रहे थे। तो 9 अप्रैल 2021 का फैसला हुआ कि जी 9 अप्रैल 2021 को वो पाकिस्तान आएंगे। मोदी जो है वो हंगलाज माता के पुजारी हैं, नरेंद्र मोदी, तो ये सीधा हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे यहां पर और वहां 10 दिन का भरत रखेंगे और उसके बाद वापसी पर वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मदाखलत और दहशतगर्दी नहीं करेंगे और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ के कर लेंगे और इस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को जो है वो डरा दिया। उनका कहना था कि अगर आपने सब कुछ किया तो आपके ऊपर कश्मीर बेचने का इल्जाम जो है आपके ऊपर लग जाएगा और इस तरह नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये जो बीजेपी है उसका एंटी पाकिस्तान स्टांस है, लेकिन सर बात ये भी है कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दौ पे लगाया और वो पाकिस्तान आए और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। मैं जब यहां पे फ्लड्स आए थे बहुत, तो यहां पे टमाटर एक दिन 400 रुपए का हो गया था, प्याज भी 300 रुपए की हो गई थी, तो मैंने खुद यहां पे बयान दिया कि हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहिए। मैंने पीएम साहब से बात हुई और उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया कि हम फ्लड्स के दौरान हिंदुस्तान से खरीदने के लिए तैयार हैं। पीएम साहब जरा सा रिलक्टेंट थे, आई वाज अ लिटिल मोर ओके विद इट, लेकिन किसी हिंदुस्तान के वजीर ने उस, और हिंदुस्तान टाइम्स में मुझे पता है कि वो ट्वीट मेरा जो था वो पब्लिश हुआ था,
इस मुल्क का मैं वजीर खजाना था, मैं कह रहा हूँ कि हम रेडी हैं आपसे चीनी और सॉरी आप कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए, और इंटरनेशनल एजेंसीज हमको कह रही थी कि हमको लाने दो वहां से, तो हमने कहा ठीक है। लेकिन किसी भी हिंदुस्तान के वजीर ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया इस पर, तो बल्कि मतलब सच्ची बात यह कि उन्होंने जरा भी हाथ नहीं हमारा पकड़ा। अगर हमने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज चाह रही हैं हम इरादा खोल देंगे, और मेरी उसके बाद एक मरतबा एक उज़्बेकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इस बारे में बात भी हुई थी, तो उन्होंने कुछ करा नहीं। हमें 70,000 अमवात हुई, पाकिस्तानी मारे गए, ये उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो नाकाम हुआ। हमने ये चाहा था कि हम अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा बनाएं, अपनी हुकूमत वहां पर लगवाएं, जिसमें हम कामयाब हुए, लेकिन उसके असरात अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अगर दुनिया ज्यादा वो करती है तो दैट्स नॉट बिकॉज कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। जिस मुल्क के पास 600 बिलियन डॉलर्स रिजर्व में पड़े हों, जो इतनी बड़ी मार्केट देती है, तो लोग इसलिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान का, मुझे तो अब पता है क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूं थोड़े अरसे तक, कि जिन्हों शर्म आती है बार बार पैसे मांगने के लिए, मतलब सीरियसली मतलब ये आप मतलब ये मतलब ये किस किस्म की हमने फ्रेंडशिप करी हुई है कि आप मतलब सीरियसली मतलब ये कि मतलब यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द अरब, यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द चाइनीज, यू ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, आई मीन यू आर ऑलवेज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट एट सम पॉइंट, आई मीन एंड पीपल हैव हैड इनफ, मतलब सीरियसली दे हैव हैड इनफ। निशानदेही की, और आपके हालिया मजमून में आपने मुकाबला किया पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, जो एक जमाने में पाकिस्तान का हिस्सा था और हम उसको अपने गरीब भाई समझते थे, लेकिन अब वो हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गया। एक बहुत बड़ा फर्क है, वाजह है, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, एजुकेशन उनके गले पर फौज नहीं है, हमारे गले पे है, और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने तीन जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं, 1947 की, 1965 की, 1999 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जितना खर्चा फौज के ऊपर होता है, सिर्फ वो नहीं लेकिन फौज जिस तरह से मजबूत होती है और फिर जिस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर हावी हुई है, जिसे कोई आज इनकार भी नहीं करता, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। लैंड ही नहीं है तो लैंड होल्डिंग क्या होगी? चलिए सवाल जवाब बाद में होंगे इनको। अच्छा देखिए सर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हम 8 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं, सो हिंदुस्तान मिसाल के तौर पर 64 बिलियन खर्च करता है। ये 8 बिलियन इज नॉट द इशू, जो असल इशू है फौज का मेरे ख्याल से ये कि फौज के इंग्रेस बहुत है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंग्रेस है। कुछ अरसे से आप देखिएगा, हम जब ये अपोजिशन में थे तो हम ये बात करते थे कि इमरान खान की हुकूमत में फौज मीडिया भी चलाती है, फौज कोर्ट्स भी चलाती है, फौज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करती है। लो जी वीडियो देखी है, वीडियो वाकई यार अनबिलीवेबल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तजारत खुलने वाली थी, ठीक है जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ट्रेड होने वाली थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू होने वाला था, मगर क्या हो गया यार, छोटी सी गलती से क्या हो गया। ये देखें जी, मोदी सरकार ने 3 दफ़ा 4 दफ़ा बल्कि हर दफ़ा मोदी सरकार ने बड़ापन दिखाया है, वो पाकिस्तान के साथ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ठीक है जी। एक दफ़ा पाकिस्तान मुझे याद है कि लाहौर में बग़ैर बताए मोदी सरकार साहब आ गए, मोदी साहब आ गए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे, ठीक है जी, तो तब इन्होंने बड़ा वेलकम किया था, मसलन उन्होंने मोहब्बत प्यार के साथ पाकिस्तान के साथ दोस्तान तल्लक़ात चाहते थे, आप भी चाहते हैं तल्लक़ात, मोदी सरकार चाहते हैं, मगर कुछ पाकिस्तान को भी चेंज करना चाहिए। देखें कैसे कैसे वो अब हमारे वजीर ख़जाना साहब बता रहे हैं कि हम हमने बातें की उनके वजीरों से मिले, उनको कहा कि हम आपसे ट्रेड शुरू करना चाहते हैं,
तो जो त्रेयर करना शुरू चाहते हैं तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई हमसे बात नहीं की, बस हूँ हाँ कर दी है। वो किस हाल में करें ऐसे हूँ आपसे कैसे बात करें जबकि आपने बार बार उनसे दोस्ती तोड़ी है, मेरी समझ में नहीं आता। देखे कि वो जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान आना चाहते थे, पाकिस्तान आके इमरान खान का हाथ पकड़ के बुलंद करके कहना था कि हमने ट्रेड दोनों ने शुरू करनी है, दोनों ने दुश्मनियाँ ख़त्म करनी है, एक दूसरे के ममालक में हमने दहशतगर्दी नहीं करवानी है और कश्मीर का मसला हम बाद में हल कर लेंगे। तो सही बात है यार, कश्मीर का इशू तो हल होना ही नहीं है ना सारी ज़िंदगी, वो तो बात की बात थी, मगर ये बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात तो बेहतर होते, गुरबत तो ख़त्म होती, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो शुरू होती, दरामदार बरामदा तो होती, आने चीज़ें तो सस्ती होती पाकिस्तान में। कश्मीर का मसला तो सारी ज़िंदगी हल नहीं होना, कुछ भी हो जाए कश्मीर का मसला हल नहीं होना, ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं। ठीक है कि मैंने उनके वज़ीरों से बात की थी कि हम आपके साथ ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, उन्होंने बात ही नहीं की। क्यों नहीं बात की कि इतनी दफ़ा हमने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उतनी दफ़ा ही फिर हमने जंगे भी की हैं, जंग करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया, पाकिस्तान और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसकी क्या रीज़न है यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमने जंगे भी कर ली, हमने हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात भी ख़राब कर दिए, हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद कर दी, हमने सब कुछ बंद कर दिया, फिर भी कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, तो कब होगा मसला हल यार। कश्मीर का मसला एक साइड पे कर दें, मुल्क का तो सोच लें पहले, पहले मुल्क को तो सोच लें, मुल्क को आगे लेके जाने की सोच लें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें आप, बाद में काम हो गए बाकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कश्मीर का मसला हल, वो सही बात है कि कश्मीर का मसला 10-15 साल बाद भी हल कर लेते ये भी बड़ी बात थी, मगर पहले पाकिस्तान के तो हालात बेहतर हो जाते यार। इधर मोदी सरकार आए हुए थे, उधर हमने कारगिल की तैयारियाँ शुरू की हुई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो वज़ीर हैं मिनिस्टर हैं वही कह रहे हैं कि इधर हमने मोदी सरकार पाकिस्तान आए हुए थे भाईचारा बढ़ाने दोस्ती का हाथ बढ़ाने, उधर हमने कारगिल शुरू किया था, इधर मोदी सरकार वाजपेयी साहब आए हुए थे उधर हमने वो कहते हैं पठानकोट किया हुआ, ये क्या यार सूरत हाल समझ नहीं आ रही। अब हम सोच देख रहे हैं या खबरें सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये कैसे कैसे मामले ख़राब हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। अब भी मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं गया, चलो जो बातें पिछली वो भूल जाएं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मिल बैठ के बातें करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ट्रेड शुरू करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करें और कश्मीर का मसला तो हल होते रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर पर भी बात हो जाएगी। अगर इमरान खान ऐसे करता कि कश्मीर का मसला 20 साल बाद हल करते तो अपोजिशन वालों ने नारा लगा देना था जी कि इन्होंने कश्मीर सेल कर बेच दिया है, मोदी के साथ हाथ बढ़ा लिया है। ये ऐसी तो सियासत चल रही है हमारे पाकिस्तान में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चौधरी जावेद बहुत बड़े जो है ना वो एंकर वो कह रहे हैं, चौधरी जावेद कुछ तो सोचे मुल्क के बारे में, कुछ तो ख्याल करें मुल्क के बारे में। अब भी हमें एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, तल्लुकात अपने बनाने चाहिए, दहशतगर्दी को ख़त्म कर लानत जैसी दहशतगर्दी को दोनों को मिल के मिल बैठ के इस चीज़ का हल निकालना चाहिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान को और इंडिया को आपस में इस खत्ते के अमन के लिए एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, बैठना चाहिए, कश्मीर का मसला हल होता रहेगा। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।